हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज टू में स्वागत है। आज आप लोगों को बिहार बोर्ड ने एक गुड न्यूज़ दिया है। तो गुड न्यूज़ क्या है, तो देखिए गुड न्यूज़ दिया है कि टेंथ और मैट्रिक दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। तो इसी के बारे में हम पूरा बताएंगे, तो चलते हैं जानिए न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या मार्च अप्रैल में आएगा इंटर और मैट्रिक का रिजल्ट। देखिए कॉपी जो चेक हुआ था आपको, मतलब कि किस मार्च से इंटर का कॉपी चेक हुआ था और लास्ट 9 मार्च तक कॉपी चेक होना था, मतलब आज तक चेक होना था। तो आपको मतलब कि ये भी बता दूं कि कॉपी पूरा चेक नहीं हो पाया है 9 मार्च तक, बहुत कॉपी बाकी है, मतलब आधा से हल्का ही कम बाकी है, समझ गए ना। मतलब जितना कॉपी है उतना से थोड़ा कम, मतलब जितना मान लीजिए एक भाग है, ये भाग में ये आधा हुआ और ये आधा में भी ये इतना भाग बाकी है, ठीक ना। तो समझने की बात है आपको। तो अभी इसलिए मार्च अप्रैल में, ये अप्रैल में आएगा और आपको निर्धारित समय भी बता देता हूँ कब आएगा, तो पहले ये जान लीजिए। तो देखिए इंटरमीडिएट एवं वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 का परीक्षा फल मार्च अप्रैल माह में जारी होगा। देखिए ये ट्वेल्थ मतलब इंटर और वार्षिक माध्यमिक टेंथ का परीक्षा, दोनों का परीक्षा फल अर्थात रिजल्ट कब होगा, तो ये मार्च अप्रैल में जारी होगा। मतलब मार्च अप्रैल कहने का मतलब कि ये 15 अप्रैल से पहले जारी हो जाएगा, ठीक है। 15 अप्रैल से जारी हो जाएगा, चूँकि ये मार्च में तो जारी किया नहीं जाएगा, ठीक है। ये मार्च पूरा मार्च कॉपी चेक होगा, कहने का मतलब ये है। उसके 15 दिन के बाद मतलब अप्रैल में, 15 अप्रैल तक आपका मतलब कि रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, लेट ही लगे कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी अच्छे से चेक करके दे, ये कहने का मतलब है, ठीक है ना। लेट लगाए कोई बात नहीं, लेकिन कॉपी अच्छे से चेक करके दे, कोई हेराफेरी, कोई किसी भी प्रकार का कॉपी में दिक्कत ना करें, ठीक है। तो ये बिहार बोर्ड ने मतलब कि ये न्यूज़ दिया है, ठीक है। खुद अपने जो आनंद किशोर चेयरमैन है, बिहार बोर्ड का अध्यक्ष है, उन्होंने खुद ये मतलब कि जानकारी दी। यह जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष या बोर्ड क्या है, यह जानकारी बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है। कहा कि समिति ने मार्च और अप्रैल में रिजल्ट का लक्ष्य रखा है। समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक वार्षिक परीक्षा का परीक्षा फल समय पर ही जारी किया जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ है आप लोगों को, बहुत बेहतर न्यूज़ है, ठीक है। तो देखिए आप लोग भी आशा लगा कर रखे थे कि ये रिजल्ट मार्च के लास्ट तक आ ही जाएगा, तो कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद आएगा ना, तो घबराने की इसमें बात नहीं है। तो देख सकते हैं, तो यही सब न्यूज़ है। यहाँ पर आप यहाँ भी देख सकते हैं क्या मतलब कि अप्रैल में क्यों बढ़ गया। तो यहाँ देखिए अभी 73,000 से अधिक कॉपियों का मूल्यांकन शेष है, मतलब कि बाकी है, देख लीजिए। और ये हम 7 मार्च तक नहीं जांची जा सकी इंटर की सभी कॉपियाँ, मतलब कि 9 मार्च तक जांच चेक करना था, जिसमें 7 मार्च तक अभी तक नहीं चेक हुआ है कॉपी। तो ये सब कारण रही बात, तो पूरा बताएंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आप मेन पॉइंटे को याद मतलब कि समझकर रखें। तो यह न्यूज़ आपको कैसा लगा वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कौन कौन रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, वह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।